प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सोलन में 100% मतदान के लिए जिला निर्वाचन विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। निर्वाचन विभाग द्वारा समय समय पर लोगों को मतदान के लिए जागरूक व प्रेरित भी किया जा रहा है। 9 नवंबर को होने वाले चुनावों में सभी मतदान केंद्रों में मतदाताओं के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। मतदान केंद्रों में बिजली, पानी व शौचालय की व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सभी मतदान केंद्रों में जहां दिव्यांग एवं वरिष्ठ मतदाताओं के लिए व्हीलचेयर व उनकी मदद के लिए स्वयंसेवकों की नियुक्ति भी की गई है। इस बार दिव्यांग एवं वरिष्ठ मतदाता बिना लाइन में लगे अपने अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी सोलन राकेश कंवर ने कहा कि जिला से 100% मतदान हो इसके लिए जिला प्रशासन विभाग पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि सभी मतदान केंद्रों में सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। उन्होंने बताया कि इस बार विशेष तौर पर विकलांग तथा वरिष्ठ नागरिक बिना लाइन में लगे अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। उन्होंने लोगों से प्रजातंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए अपने मत का प्रयोग करने की अपील भी की। भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देश के मुताबिक हरेक पोलिंग बूथ के ऊपर अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज का प्रबंध किया गया है, जिसमें कि बिजली, पानी की व्यवस्था है, पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग शौचालयों की व्यवस्था है, और उसके अतिरिक्त विशेष प्रबंध ये भी किए गए हैं कि जितने भी हमारे दिव्यांग जन हैं, अगर वो वोटर्स हैं उस पोलिंग बूथ में, तो उनको असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए। अगर जरूरत है तो उनको वॉलंटियर्स या फिर व्हीलचेयर उपलब्ध कराई जाए ताकि वो अच्छे तरीके से मतदान कर सकें। सभी मतदान केंद्रों पर रैंप का प्रावधान किया गया है ताकि व्हीलचेयर जो है सीधे वोटिंग कंपार्टमेंट तक अंदर जा सके। और उसके अलावा भी सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स को निर्देश दिए गए हैं कि जहां जहां जरूरी हो वहां सीनियर सिटीजन्स के लिए और डिसेबल्ड लोगों के लिए विशेष रूप से वॉलंटियर्स की व्यवस्था की जाए ताकि वो लोग बिना किसी लाइन में खड़े हुए तुरंत वोट के राइट को एक्सरसाइज कर सकें और उनके लिए क्यूलेस वोटिंग का प्रबंध किया जाए।